नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य। बीटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराधियों के पास से दो विदेशी राइफल और एक एयर गन किया बरामद। इसके साथ ही अलग अलग तरह के 326 गोलियां भी बरामद की गई। आपको बताते चले कि रविवार की देर शाम मुकेश कुमार सिंह और उसके साथियों ने बीटा में जमकर गोलीबारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका नाम हरेंद्र वर्मा था। हरेंद्र वर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए, जबकि कार्रवाई करते हुए जिंदा कारतूस, दो विदेशी राइफल जो कि एक इंग्लैंड और एक ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है, तथा एक एयर गन समेत भारी मात्रा में गोलियां बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हरेंद्र हत्याकांड में पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दानापुर एएसपी अभिनव धीमन के अनुसार हरेंद्र वर्मा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजीत सिंह और मुकेश सिंह की सूचना पर मोदही कटेसर के बीटा थाना अध्यक्ष सोनवर खान के नेतृत्व में छापेमारी की गई, तो वहां पुलिस की आठ जान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अजीत सिंह और मुकेश सिंह भागने में कामयाब हो गया। जब अजीत सिंह और मुकेश सिंह के घर की तलाशी ली गई तो वहां से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और दो विदेशी राइफल के साथ एक एयर गन भी बरामद किया गया है। हथियारों का जखीरा मिला है, सब का मामला कहाँ से मिला है? 20 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक हरेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का केस दर्ज हुआ था। 1235 बीटा थाना, जिसमें तीन नामजद अभियुक्त थे, उसमें से रहने का वाला है। तो कल रात एक सूचना मिली कि वो अपने सहयोगियों के साथ मोदी ही गाँव में काफ़ी सारी भारी मात्रा में हथियार व गोलीबारी के साथ वहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसमें एक हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व सरोवर खान जो बीटा थाना प्रभारी हैं, उसके अलावा यहाँ से मनोज सिंह, मेरी अनुमंडल की QRT व थाना की QRT, अन्य सिपाही बल का एक टीम गठन की गई, जिनके द्वारा मोदी में रेड की गई। उनके एक सहयोगी हैं अजीत कुमार करके, वहाँ उनके घर से भारी मात्रा में करीब 326 जिंदा कारतूस, करीबन 2 लाख कैश, उसके अलावा एक राइफल जो विदेशी मेड बताई जा रही है अभी तक, वो बरामद की गई। उसके अलावा मुकेश सिंह के घर पर भी रेड की गई, जिसके क्रम में उनके घर से एक एयर राइफल, एक राइफल भी बरामद की गई है। अन्य जितने इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी छापेमारी निरंतर की जा रही है। प्रेस कर पा रहे जितना अभी तक हमें सूचना मिली है, वो कल रात अजीत और मुकेश दोनों जो हैं वो भागने में सफल रहे, लेकिन जितना अभी तक सूचना मिल रही है, ये मोस्टली डियर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे छुप रहे हैं। अन्य अपने क्योंकि इनका काफ़ी हद तक अवैध बालू खनन में भी नाम आता है, नाम आया है, और उसमें उनका भूमिका भी है। तो उसके ऊपर हमारी जो अनुमंडल की QRT है, जिला स्तर से जो DIU है वो भी उसमें लगी हुई है, और तुरंत इसमें हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कुछ मेजर गिरफ्तारियां, जैसे ये एक मेजर उपलब्धि है, उसके अलावा मेजर गिरफ्तारियां भी इस दौरान होंगी। इसमें तनाव बना हुआ है और दो जाति के पीछे तनाव बना हुआ है जी, कैसे ये समझेगा मामला? उसमें ये देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक मेजर उपलब्धि ये है, उसके अलावा गिरफ्तारी 1235 जो केस है उसमें एक गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, दो उसमें लोग अभी बचे हैं। मुकेश सिंह जिनकी गिरफ्तारी के लिए क्रम में ही ये रेड छापेमारी हो गई, वो दो भागने में फरार रहे हैं, लेकिन जो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। वहाँ पे जो गांव है सिकंदरपुर जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ पे हमारे द्वारा एक सेक्शन फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है दोनों पक्षों में, ताकि तनाव की सिचुएशन जो बनी हुई है उसको कंट्रोल कर